मैंने पुदीना की कटिंग लगाई थी, अभी इसको कुछ 5 दिन हुए हैं, तो देखिए ये न्यू लीव्स इसमें आ चुकी हैं तीनों में, और ये चौथी कटिंग है ये वाली, और इसमें भी फुटाव आ रहा है पीछे वाली में, और इनमें भी फुटाव है, ये आप देख सकते हैं। तो कम से कम 6 या 7 मेरी इन कटिंग्स में फुटाव आ चुका है, ये देखिए। मैंने इसको पानी में डिप करके नहीं रखी थी, डायरेक्ट कटिंग करके और इसको इसमें लगा दिया था। तो वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी दोनों का मिक्सचर है ये, तो पहले से तैयार करके रखा हुआ था, उसी में ही मैंने ये कटिंग लगा दी थी, और 5 दिन में इनमें इतना फुटाव हो चुका है। ये 10 दिन के बाद की कंडीशन है पुदीना की, तो ग्रोथिंग पकड़ ली है इसने, सभी ब्रांचेज ने पकड़ ली है इसमें ग्रोथिंग, देखिए आप। आफ्टर 10 डेज ये देखिए मेरा पुदीना, अभी धूप में ऐसा हो रहा है, ये 20 दिन के ऊपर हो गए इसको, तो इसके सारे टहनियों ने इस बार ग्रोथिंग पकड़ी है, एवरी ब्रांच में लीव्स आ चुकी हैं। धूप में थोड़ा इसके डाउन पत्ते हो रहे हैं, अभी मैंने पानी डाला है, और इसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर लूँगी सभी की चटनी बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा, इसकी ग्रोथिंग और अच्छी हो जाएगी, इसकी ग्रोथिंग ये एक शाखा में से दो दो तीन तीन शाखाएं कट जाएंगी, तो सभी की टहनियों को मैं ऊपर ऊपर से कट कर लूँगी। पुदीने की चटनी हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है, खट्टी मीठी। मैं इसमें से कटिंग कर रही हूँ, तो कटिंग करते करते इतनी अच्छी महक आ रही है पुदीने की, पूछिए मत, बहुत ही मिंट वाला फ्रेग्रेंस है, और ताज़ा पुदीना की बात अलग होती है। ये देखिए इसमें से, अब ये मैंने पूरी कटिंग कर दी है, अब इसके बाद इसकी ग्रोथिंग और डबल हो जाएगी। इसको दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं इसकी कटिंग को, एक तो पानी में कुछ दिन रखेंगे, जैसे मनी प्लांट को हम करते हैं, तो कुछ दिन पानी में रखने से भी इसमें जड़ें बन जाएगी, उसके बाद में हम इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैंने पानी में ग्रोथिंग नहीं की है, मैंने डायरेक्ट ही मिट्टी में लगा दी है, और इसने अपनी ग्रोथ पकड़ ली, और आप 20 दिन का आपने देखा इसका कितनी ग्रोथिंग थी। अगर इसी पुदीने से जो ब्रांच इस टाइप की है, थोड़ा वुडन टाइप की, इनसे ही हम और दूसरे प्लांट भी बना सकते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4 ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे, जैसे ये है, इसको ग्रो कर सकते हैं चाहे तो उसमें से ही कटिंग करके, और हम ऐसी ब्रांचेस को लगा करके पानी में या मिट्टी में जैसे आप चाहें, तो इससे और न्यू प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे। मेरी सारी कटिंग सफल रही है, एक भी ख़राब नहीं हुई है, कम से कम 10-12 इसमें कटिंग होंगी, ये मेरी एवरी कटिंग चली है मेरी। तो ये कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट में बताइएगा मुझे।